हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी आर डिस्कसिंग डेफिनेट इंटीग्रल और आज ये लेक्चर नंबर 9 है। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 8 बिफोर वॉचिंग पार्ट 9। इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज और डिफरेंट ट्रिक्स की बात करेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस एंड दैट इज विदाउट वेस्टिंग टाइम। So first question I am going to take on today is 1 by x tan inverse x minus 1 by x dx। ये question लेते हैं और limit लेते हैं 1 by 2 से 2। चलिए power थोड़ा tan inverse न करके ये कर देता हूँ tan to the power 7। ठीक है, so what to do? So देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्या है कि x जो एंगल होता है उसको t पुट करना है, ये हमने पहले बता दिया था। x माइनस वन बाई एक्स को t पुट कर लें, यानी क्या हो जाएगा अगर पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसमें से x अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स कॉमन ले लूँ अगर, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी इस एक्स प्लस 1 बाई एक्स को आप लिख सकते हैं डी एक्स के साथ 1 बाई एक्स तो चाहिए आपको, है ना। तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, यानी इसको रिसब्स्टिट्यूट इसके फॉर्म में कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2, है ना, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब x माइनस 1 बाई एक्स को आपने टी एस पुट किया है, तो टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ये डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स वाई एक्स के बदले आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। चूंकि आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल बी द लिमिट, तो लिमिट क्या होगा, अब ये देखिए एक्स जब 1 बाई 2 हो क्या होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 माइनस 2 टी हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 बाई 2। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 तब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। सो ये लिमिट जो होगा वो माइनस 3 बाई 2 से 3 बाई 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, नाउ इंटीग्रेशन विल बी माइनस 3 बाई 2 टू 3 बाई 2 and tan to the power 7, tan to the power 7 t, tan to the power 7 t, इसको t पुट किया है, और dx के बदले, dx by x के बदले क्या लिखना है, dt upon under root t square minus 2, ये रखना है, है ना। so what will happen next, क्योंकि dt के बदले ये रखना है हमें, ये देखिए ध्यान से, dx by x के बदले ये जो dx by x था इसके बदले हमने रख दिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये माइनस ए टू ए के पैटर्न का हो गया। अब माइनस ए टू ए के पैटर्न का हो गया तो सीधा सा दिमाग आपके पास जानता है कि क्या ये डबल होगा या जीरो होगा। तो यहाँ पे टैन का पावर 7, tan x ऑड फंक्शन है और उसका पावर 7 है तो ये भी ऑड हो गया, t तो स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है, तो इवन और ये है ऑड, ये है इवन, इसका मतलब ये हो गया ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन हो गया इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, जीरो, जीरो आंसर हो गया। सिंस tan x इज ऑड फंक्शन, tan x इज एन ऑड फंक्शन एंड tan टू द पावर 7x, therefore tan to the power 7x is also odd function है, और ये क्या है, even है, तो इसलिए पूरा function odd हो गया, और odd हो गया तो इसलिए इसका integration हो गया zero। अब चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, और next question क्या है हमारा, देखते हैं, next question है हमारा,
ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि 1/2 0 2x e टू द पावर जेड एक्स e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 0 2x/2 माइनस e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 डी जेड, इसको प्रूफ करना है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन कैसे सेम है और हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये देखिए लिमिट एक्स है और यहाँ पे लिमिट एक्स बाई 2 है। इसका मतलब है कि जो नया वेरिएबल होगा लिमिट चेंज करने से वो पहले वेरिएबल का हाफ होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये चूंकि वेरिएबल यहाँ जेड के टर्म्स में है ना, सो व्हाट वी कैन डू दिस कि वेरिएबल ऐसा लेंगे, पुट कर लेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस टी, ऐसा पुट कर लेते हैं क्योंकि x जो हो रहा है वो x बाई 2 हो रहा है या लिमिट देख करके। तो इसलिए जो वेरिएबल होगा नया वो x बाई 2 होगा प्लस टी, ऐसा हम सब्स्टिट्यूशन पुट कर, ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करने से क्या होगा कि लिमिट चेंज हो जाएगा। पहले देखते हैं लिमिट चेंज करके ही, लिमिट के जरिए ही हम पहुंचते हैं इस पे। व्हेन जेड इज इक्वल टू 0, 0 था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2, देन t इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। ध्यान रहे कि यहाँ x जो है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है z, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब z जो है वो क्या है x, when z इज इक्वल टू x तो t क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा कितना, माइनस z अगर x है तो x माइनस एक्स बाई 2 यानी x बाई 2। तो लिमिट जो होगा वो माइनस एक्स बाई 2 से x बाई 2 हो जाएगा। अब सवाल है कि dz के बदले क्या लिखेंगे, तो dz के बदले क्या लिखना है, dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। तो dz इज इक्वल टू dt। नाउ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 1/2। ध्यान से देखिए, जो 0 से x लिमिट था z का वो अब माइनस एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 हो चुका है, एक्स बाई 2 हो चुका है। और e टू दी पावर जेड एक्स, जेड के बदले क्या लिखेंगे, जेड एक्स के बदले क्या हो जाएगा, e टू दी पावर जेड एक्स, जेड इंटू जेड के बदले आप लिख देंगे एक्स बाई 2 प्लस टी। सो व्हाट विल हैपन, जेड के बदले अगर आपने लिख दिया एक्स बाई 2 प्लस टी यहाँ पे, और e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स बाई 2 प्लस टी का होल स्क्वायर, और डिजिट के बदले क्या लिख देंगे डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका आगे, ये हो जाएगा कि 1/2 माइनस एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर, दोनों के बेस सेम है तो पावर को प्लस कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस ये इसका होल स्क्वायर, यानी क्या एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस टी एक्स, राइट, एंड प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे टी एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे टी एक्स क्या है निगेटिव, सो व्हाट विल हैपन, ये टी एक्स से, ये टी एक्स से टी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल कट जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा, ये बच जाएगा 1/2 माइनस एक्स बाई 2 से प्लस एक्स बाई 2 तक e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या बचेगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 माइनस एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 चूंकि फंक्शन टी का है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 तक और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 बाहर आ गया, है ना, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 बाहर आ गया, अंदर में रह गया e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये टी स्क्वायर क्या है इवन है, तो ये पूरा इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, तो ये माइनस ए टू ए अगर इवन है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4
इंटू जीरो टू एक्स बाई टू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, अब ये मिल गया पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा वो हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स बाई टू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी या ई टू द पावर माइनस कोई भी वेरिएबल बदल दे, ये एक्स बाई टू लिमिट सेम ही रहता है, ये ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड बात सेम ही है, और ये तो प्रूफ करना था सो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कहीं पर भी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई इज इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री टू वन बाई रूट थ्री। ठीक है, एक्स फोर अपॉन वन माइनस एक्स फोर एंड कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखाई दे तो माइनस ए टू ए वाली, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि क्या कोई ऑड इवन फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा इवन है, ये अगर ऑड होता तो बात बन जाती, लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऑड है कि इवन है। सो व्हाट टू डू इज कि हम एक्स के जगह पर इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं और कुछ उपाय लगाते हैं। सो वी कैन राइट हेयर कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2 होता है। और ये होता है अगर इसको x put कर दिया, x को tan theta put कर दिया जाए तो ये 2 tan sin 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, यानी किसका फॉर्मूला होता है sin 2 theta, और sin से sin inverse कट जाएगा तो 2 theta, और theta क्या है tan inverse x, तो ये हो गया पूरा का पूरा 2 tan इनवर्स x। चलिए प्रूफ कर देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी इसमें कैसे ऐसा लिखा, ध्यान से देखिए। अगर x को tan थीटा पुट कर लिया जाए तो sin इनवर्स देयरफॉर देन क्या होगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आएगा, इसका मतलब हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, और साइन टू थीटा का मतलब क्या बच जाएगा टू थीटा, और थीटा क्या है टैन इनवर्स एक्स, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इस पूरे फंक्शन के बजाय ये जो पूरा फंक्शन है इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। सो व्हाट विल कम, इंटीग्रेशन विल कम लाइक माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री। ठीक है, एक्स फोर अपॉन वन माइनस एक्स फोर, और इसके बदले लिख देंगे पाई बाई टू माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी क्या होगा, एक बार पाई बाई टू से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा फंक्शन, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस फंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज वन बाई रूट थ्री माइनस के साथ वन बाई रूट थ्री यहाँ पे, और ये हो गया एक्स फोर अपॉन वन माइनस एक्स फोर इंटू पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स, और एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री तक, एक्स फोर अपॉन वन माइनस एक्स फोर टू टाइम्स टैन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखें, ये इवन है, ये इवन है, पूरा फंक्शन इवन है, ये भी पूरा इवन है, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये है ऑड, ये है ऑड, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया ऑड, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा। और आपको क्या करना है फिर, अब ये करना है कि ये जीरो हो गया, आपको अब इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है अब माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री तक, और ये इवन है तो ये डबल हो जाएगा, सीधे लिख देता हूँ ये डबल हो जाएगा बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन, यह है इवन तो ये डबल हो जाएगा। सो हम लिख देंगे क्या ट्वाइस ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री तक, ये पाई बाई टू जो है ये बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई टू बाहर आ गया, टू से टू कट भी जाएगा, और बच गया अंदर में एक्स फोर अपॉन वन माइनस एक्स फोर डी एक्स। ठीक है,
सो एंड ये हो गया जीरो और फंक्शन है इसलिए जीरो हो गया। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब इसको करने के लिए आपको लिखना है पाई, और ये ट्वाइस हो गया तो ये अब जीरो से रह गया, ये इंटीग्रेशन अब लिमिट जीरो से हो गई क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया। तो ये हो गया पाई 0 to 1/√3, ठीक है। और ये 1 माइनस x4 लिख सकते हैं, 1 + 1 माइनस कर दिया, 1 - x4 dx। सो व्हाट विल हैपन, पाई इनटू 0 to 1/√3 1/(1 - x4 - 1 dx, इसको आप लिख सकते हैं पाई इनटू 0 to 1/√3 1/(1 - x2 - 1 + x2 - 1 dx। सो व्हाट विल हैपन, ये जब आप करेंगे तो ये देखिए क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई इंटू 0 to 1/√3, इसमें क्या लगा देंगे, क्या खोया क्या पाया, है ना, तो 1 - x2 + 1/(1 + x2), ऐसा करने से एक्स स्क्वायर तो ऊपर में कट जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं डीएक्स, यानी इसी में अभी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बाद में अलग कर लूंगा, ठीक है। और डीएक्स ये पहले का हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, पाई इंटू 0 to 1/√3 और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx। सो दिस विल कम, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पाई बाई टू 1 - x2 0 to 1/√3 1/(1 - x2 + 1/(1 + x2 dx) और ये आ गया पाई एक्स, एक्स का कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/√3 तक। सो द सेम थिंग विल कम हियर, लाइक पाई बाई टू 1/2 log(1 + x)/(1 - x) 1 - x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/√3 तक, प्लस टैन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/√3 तक, और ये पाई बाई रूट थ्री हो गया, और इस पूरे में क्या है, ये पाई बाई टू से मल्टीप्लाई। सो द सेम विल कम हियर, पाई बाई 4 log√3 + 1/√3 - 1, एंड इफ यू पुट 0 देन log(1) will be 0, एंड व्हाट विल हैपन हियर, पाई बाई 2 इनटू टैन इनवर्स 1/√3 माइनस पाई बाई 3। सो द थिंग विल कम हियर, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 log(√3 + 1)/√3 - 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 4 log(√3 + 1)/√3 - 1, इसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - √3 log(2 - √3) रेशनलाइज कर दिया, राइट, 2 + √3 आएगा, 2 + √3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉरी, सो दैट वुड बी 5/12 एंड -5/√3, ये आंसर हो जाएगा, ये √3 था, है ना, √3 आंसर हो गया। ओके सो कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 0 to π I इज इक्वल टू 0 to π x sin 2x sin π/2 cos x / dx / x - 2π और 2x - π x - 2π, से लाइक दिस x - 2π dx। x - π dx, right? So what will happen, we will try to understand this, how to do this question. So to answer this question, we have to use the property 0 to π, π minus x. This is sin 2π minus 2x, 2π minus 2x, and here sin π by 2 cos π minus x, right? And this is 2 into π minus x minus π,
dx. This is the first equation. Now we can have this pi, pi minus x, and that will be 2 pi minus 2x. In fourth quadrant, sine will be negative. So minus sine 2x, and that will be cos pi minus x is minus cos x, and minus due to this, this will be also minus sine pi by 2 cos x dx. So the same thing divided by 2 pi minus pi is pi minus 2x, right, dx. So it will be better to write here that this minus and this minus would be plus. So 0 to pi, pi minus x sine, or even yahan pe bhi minus sign common le sakte hain. So ye ho jayega x minus pi, and this would be sine 2x, and this is sine pi by 2 cos x. And यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ माइनस कॉमन लिया और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बात भी बराबर हो जाएगी, है ना. नाउ दिस इज इक्वेशन टू. सो फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग वन एंड टू, द डिनोमिनेटर वुड बी सेम, 2x माइनस पाई, एंड हियर 2x माइनस पाई, सो दिस विल बी द सेम. न्यूमरेटर कैन बी एडेड इजिली. सो एडिंग वन एंड टू वी गेट, नाउ एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू we get what? 2y is equal to 0 to pi, this is pi minus x plus x, sorry, x plus x minus pi, x plus x minus pi, and this is sine 2x and cos sine pi by 2 cos x, sine pi by 2 cos x, right, divided by 2x minus pi dx. So the same thing will come, 0 to pi, x plus x will be 2x minus pi, and here sine 2x sine pi by 2 cos x dx upon 2x minus pi. So the same thing will cancels out, these two are cancels out. Now what will be left? 0 to pi sin 2x sin pi by 2 cos x dx upon, बस हो गया इतना ही बच गया. अब यहाँ पे इधर क्या है, 2y, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दे, pi minus x करें तो 2 pi minus x ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ pi minus x करेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव, और sin minus theta is minus sin theta, तो यहाँ से भी एक निगेटिव मिलेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते थे, जीरो से टू इंटू पाई बाई टू वाली, पाई को टू इंटू पाई बाई टू. सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, होता है ना. तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी लगा देंगे यही, तो ये हो जाएगा ट्वाइस. सो व्हाट विल हैपन, द सेम थिंग विल कम लाइक आई इज इक्वल टू टू आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एक्स एंड साइन पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस. Now, question is like this. तो अब ये टू से टू कैंसिल हो गया, एंड देन व्हाट विल कम, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एक्स इंटू साइन पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके. नाउ अब आपको देख के लग रहा होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, वी नीड टू पुट pi by 2 cos x is equal to t. So what will happen? Pi by 2 minus sin x dx is equal to dt. So sin x dx के बदले लिख सकते हैं minus 2 by pi dt. अब यहाँ से लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. So when, चूंकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी. X is equal to 0, cos 0 1, t is equal to pi by 2. When x is equal to pi by 2, then t is equal to 0.
तो जो लिमिट पहले 0 से पाई बाई 2 था, अब पाई बाई 2 से 0, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ये हो जाएगा। यानी I इज इक्वल टू, द नेक्स्ट थिंग इज I इज इक्वल टू व्हाट विल कम, ये पाई बाई 2 से 0, और क्या मिलेगा आगे जरा देखें, यहां से पाई बाई 2 से 0 साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर आगे लिखते हैं। देखिए थोड़ा पहले लिख देता हूँ इसको, साइन 2x को लिख सकते हैं, ये 0 टू पाई बाई 2 है, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 cos x dx। तो एक चीज है कि साइन x dx के बदले माइनस 2 पाई पाई dt लिख सकते हैं, माइनस 2 पाई पाई, तो ये साइन x और ये dx के बदले माइनस 2 बाई पाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल कम, माइनस 2 बाई पाई dt, इसके बदले माइनस 2 बाई पाई dt, और ये 2 पहले से है तो माइनस 2 बाई पाई इंटू 2, ये 2 पहले से है, और लिमिट जो हो गया वो पाई बाई 2 से 0 हो गया। और ये cos x के बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, cos x के बदले 2 t बाई पाई लिख सकते हैं, तो ये cos x जो बचेगा उसके बदले 2 t बाई पाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे sin x dx के बदले लिख सकते हैं माइनस 2 बाई पाई dt, तो dt तो लिख दिया, और इसको आपने पुट किया है t, तो इसके बदले लिख देंगे sin t, ये हो गया। तो अब ये 2 बाई पाई और बाहर में भी एक 2 बाई पाई है, ये सब मिलके क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अगर लिमिट को चेंज कर देंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, तो 2 बाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8, 8 बाई पाई स्क्वायर, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, तो माइनस भी खत्म हो गया लिमिट चेंज कर दिया, तो t साइन t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स व्हाट विल हैपन, बाई पार्ट्स वी गेट व्हाट, क्या होगा, 8 बाई पाई स्क्वायर बाहर में कॉमन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, टी इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से पाई बाई 2, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस टी, ठीक है, 1 का ये हो गया डी टी। अब आप लिख दोगे क्या, ये पूरा चीज हो जाएगा 8 बाई पाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 0, और 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा चीज 0 आ गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, साइन टी 0 से पाई बाई 2 डीटी, तो अब ये आ गया पूरा हमारा 8 बाई पाई स्क्वायर, नाउ साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0, सो दिस इज 8 बाई पाई स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होपफुली यू गॉट इट राइट, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आएगा, और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्यों करेंगे ना, हाँ बिल्कुल करेंगे। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, और अगली क्लास में जब हम फिर मुलाकात हमारी होती है तो हम फिर कुछ नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे, कुछ और टाइप की बात करेंगे, कुछ और डिफरेंट पैटर्न की बात करेंगे, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए, चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। आइए, थैंक यू, थैंक्स, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।